गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सुकांतो देवनाथ त्रिपुरा से हूँ। जैसे गाय पालन बहुत मेहनत है, कभी कभी क्या होता है गाय पानी नहीं पीता है, तो पानी नहीं पिएगा तो उसका शरीर जो है वो तंदुरुस्त नहीं रहेगा, मिल्क नहीं देगा, हीट में नहीं आएगा, बहुत प्रॉब्लम है होता है पानी की वजह से। पानी नहीं पीता है तो गाय बहुत आपको दिक्कत करेगा। तो आज कैसे पानी पिलाना है ये मैं जानकारी दूंगा। वीडियो बहुत खास होने वाला है और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। देखिए बात पे जाते हैं। देखिए पानी कैसे पिएगा, जैसे सवेरे आप बाहर कर दिया तो उसको जैसे 6 बजे बाहर कर दिया, कम से कम 11 बजे उसका घर में लेके आइए। हाँ, जो धूप अच्छी तरह धूप उठेगा तब आपको घर में लाना है। तो घर में ला के आप जैसे पानी जल्दी से जल्दी नहीं देना है, जैसे आधा घंटा रेस्ट हो गया उसके बाद पानी देना। पानी के साथ आपको नमक थोड़ा मात्रा में देना है। पहले पहले जो नमक थोड़ा ज़्यादा ही देना है, गेहूँ का छिलका जो बोलते हैं वो आपको ऊपर में थोड़ा मात्रा में दे देना है। भी गाय जैसे एक भी पानी नहीं पीता है तो वो भी पानी पीने लगेगा। इसका जो हर दिन ऐसे 1 हफ्ते तक करोगे तो उसका पानी का आदत लग जाएगा। तो इस तरह से आपको आदत लगाना है कैसे पानी पिलाना। वो भी नहीं पिएगा तो साथ में थोड़ा आपको जो गुड़ होता है चिट्टा गुड़ वो भी दे सकते हैं, आपको पिएगा ही पिएगा। तो इस तरह से आप पानी पिलाइए और गाय को स्वस्थ रखिए। और जैसे ही बार बार आते हैं तो इसको डॉक्टर लाना पड़ता है। देख सकते हैं साथियों कितना हरा चारा है। ये हरा चारा खाने से आपका जो दाना है ये तरह कम लगेगा और ये जो घास होता है इससे मिल्क भी थोड़ा ज़्यादा आते हैं। तो जितना हो सके ग्रेजिंग कराइए, नहीं होगा तो आप जैसे ये देख लीजिए रस्सी से बंधा हुआ है तो इस तरह बंध के भी आप खिला सकते हैं। जो गाय हो या कुछ भी हो डिस्टर्ब ज़्यादा करते हैं तो उसको दरी से हम बांध के थोड़ा थोड़ा खिलाते हैं। तो इस तरह से आप गाय पालन कर सकता है। गाय पालन में भी आपको उतना फ़ायदा नहीं होता है। बहुत लोग बोलते हैं मिल्क ले लेंगे तो बच्चा ले लेंगे। देखिए मिल्क का पूरा पैसा जो होता है ये गाय पे ही ख़त्म हो जाते हैं। जैसे दाना वगैरह होता है ये लगते हैं तो जो मिल्किंग का पैसा है वो चला जाता है, सिर्फ बच जाता है। तो आपका मेमना का पैसा बच जाएगा, मेमना बुरा होगा तो उससे भी थोड़ा खर्च होता है तो मेमना ही मिलता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। और चैनल पे नया है तो चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बस आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। देखते हैं लोकेशन कितना मस्त है और सिर्फ माटी माट है ये चारों तरफ, आप देख सकते हैं। तो यहाँ जो गाय हो, भैंस हो, बैल हो, बकरी हो, ये पालने का मजा ही कुछ अलग है। तो इस तरह जो आपके सामने कोई मठ वगैरह होगा या खेती वगैरह होगा उसे आप गाय बकरी बैल सभी पाल सकते हो।